मध्य प्रदेश के मौसम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके जिले का भी मौसम अपडेट हम देख सकें। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है तो अंत तक इसे जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि 20 और 21 जुलाई को मध्य प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा, कहां पर बारिश होगी या फिर अभी भी प्रदेश वासियों को बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि प्रदेश में तापमान कैसा है, कहां पर ज्यादा तापमान है तो कहां पर बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कहां पर तापमान सबसे ज्यादा है। खजुराहो में इस वक्त सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहां पर 33 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। ग्वालियर में 31 डिग्री सेल्सियस, कटनी में 31, छिंदवाड़ा में 30, रायसेन में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा टीकमगढ़ की बात करें तो यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होगा। दतिया में 32 डिग्री तापमान, सिवनी में 30 डिग्री, भोपाल में 31 और इंदौर में 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है, लिहाजा इन शहरों के तापमान में गिरावट आएगी। बाकी अन्य शहरों में भी तापमान 30 से लेकर 35 डिग्री के बीच में बना हुआ है। आइए अब जानते हैं कि कहां पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें रीवा, दमोह के साथ 11 जिले शामिल हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर भारी बारिश आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में हो सकती है। इनमें सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, श्योपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर संभाग समेत 5 अन्य डिविजन्स के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि ये पूरे इलाकों में भारी से भारी बारिश की संभावना है और इसीलिए मौसम विभाग ने यहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब जानते हैं कि कहां पर हल्की बारिश की संभावना है। गुना, श्योपुर, मंदसौर, धार, टीकमगढ़, सतना, पन्ना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, राजगढ़, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, कटनी, छतरपुर में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर, सीधी, संगरौली, मंडला, श्योपुर, निवाड़ी में भी हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन यहां पर अभी तेज बारिश होने के आसार नहीं है। आइए जानेंगे कि बीते 24 घंटे में एमपी के किन शहरों में बारिश हुई। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में एमपी के किन जिलों में बिजली चमकने या गिरने की संभावना बनी हुई है और कहां पर तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो इनमें 24 से 48 घंटे के बीच मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना बनी हुई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सागर, रीवा, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल शामिल है, यानी कि इन इलाकों में बिजली गिरने की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में यहां के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब जानते हैं कि एमपी में बीते 24 घंटे में कहां कहां बारिश हुई। तो पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग के अधिकतर जिलों में बारिश हुई। ग्वालियर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में नरवर में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। यहां पर 14 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि भीतरबार की बात करें तो यहां पर 9 सेंटीमीटर, बैराट, श्योपुर में 6 सेंटीमीटर, गोरमी में 5 सेंटीमीटर, डबरा, करेरा, ग्वालियर में 4-4 सेंटीमीटर, शिवपुरी और कोलारस में 3-3 सेंटीमीटर बारिश हुई। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा बारिश नरवर में हुई, जहां पर 14 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में 20 और 21 जुलाई यानी कि कल और परसों भी भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आपको बता दें कि पश्चिमी क्षेत्रों में
हालात 23 जुलाई तक जारी रहेंगे। मध्य प्रदेश में 21 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होगी। एमपी के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख दक्षिणी पूर्वी है, इसके कारण हवा की रफ्तार तेज है, मौसम में नमी बढ़ रही है। मानसून ट्रफ जो है वो सागर, गुना, रतलाम के ऊपर से गुजर रही है। इसका असर ग्वालियर चंबल संभाग पर खास तौर पर हो रहा है और 20 जुलाई को नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते नमी बढ़ेगी और आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश की गतिविधियां काफी तेज होंगी और भारी बारिश की आशंका पूरे मध्य प्रदेश में बन रही है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।